है और बदले में इसके एवज में 4 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और ऐसा करते करते कम से कम 2 साल से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। और ऐसे में अब इस खबर का इतना बड़ा असर हुआ है कि ये प्रताड़ित करने वाले एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। तो एसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच का जिम्मा कोरबा सीएसटी को दिया गया है। तो उप निरीक्षक आरएल डेहरिया पर हत्या के झूठे मामले में फंसा देने के नाम पर 4 लाख रुपए की मांग की गई थी। पीड़ित ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से न्याय की गुहार लगाई थी और बंसल न्यूज पर प्रमुखता से इस खबर को प्रसारित किया गया था, जिसके बाद इसका असर यह हुआ है कि इस खबर के दिखाए जाने के बाद कोरबा एसपी भोजराम पटेल ने एसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। लक्ष्मण, ये तो बंसल न्यूज के असर का खबर का इतना असर हुआ है कि कल ही हमने ये खबर दिखाई और आज हमें ये एक और नई खबर मिल रही है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए बंसल न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। दरअसल कोरबा जिले के जो पुलिस पर आरोप लगा है, गंभीर आरोप, उर्गा थाना के एक एसआई है आरएल डहरिया, उन पर आरोप है कि वहाँ सरकारी शिक्षक है, उन पर उनको झूठे मामले में फंसाने के लिए हत्या के मामले में लगातार रकम की मांग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले एक उनके घर में विवाह हो रहा था, वहां पर डांस करते वक्त एक युवक की मौत हो गई थी। उस मामले को लेकर 2 साल बाद जो एसआई है वो उनको लगातार प्रताड़ित कर रहे थे कि उनको हत्या के मामले में फंसा दिया जाएगा। इस मामले को लेकर 4 लाख की मांग की जा रही थी और इस मामले को जो पीड़ित शिक्षक है उन्होंने मीडिया के सामने आकर रखा था, इसको बंसल न्यूज पर प्रमुखता से दिखाया गया। इसके बाद जो एसपी हैं भोजराम पटेल, उन्होंने मामले की जांच करने के जिम्मा जो है सीएसपी को दे दिया गया और तत्काल प्रभाव से जो एसआई आरोपी एसआई है उसको सस्पेंड करते हुए लाइन अटैच कर दिया गया है। जी लक्ष्मण, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है, कल ये खबर हमने प्रमुखता के साथ चलाई थी जब एक टीचर ने प्रताड़ित होते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई थी और आज इस पर एक्शन लेते हुए खबर भी सामने आ गई है कि इस आरोपी एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। घटना घटी थी, डांस करते करते एक विकास अग्रवाल नाम का युवक गिरा और बाद में भी अस्पताल ले जाने के बाद उसकी डेथ हो गई। राजेश तिवारी जी के द्वारा उनका प्रथम विवेचना किया गया था, गवाही लिया गया था घटना के कई महीने के पश्चात, जिसकी वीडियो जमा कर दी गई है। घटना की पुनः बुलाया गया और मुला के मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है। अधिकारियों के बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये समाज के लिए न्याय नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सताने वाले हैं किसी बेबस को, लाचार को या कमज़ोर पाकर जितना ज़्यादा सताएंगे पैसा ऐठेंगे। आज मेरे साथ हो रहा है, अगले दिन और किसी के साथ होगा, जब तक वो पद में बना रहेगा उनका सिलसिला जारी रहेगा।